वेलकम टू एवरी वन, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी एट योर प्लेसेस. स्टूडेंट्स एंड योर फ्रेंड्स, फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स वी विल बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर सीरीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्लास 7th ऑफ DAV पब्लिकेशंस. आई हैव ऑलरेडी मैंशन सम स्टोरीज. टूडे विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मंकी ट्रबल. यू कैन गेट द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपने स्टोरी नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जो है चैप्टर देख सकते हैं. तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर्स. आवर फर्स्ट पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी एंड बी पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इज द क्वेश्चन आंसर्स. दीज आर द फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस. पहले क्वेश्चन में बताया है कि ग्रैंड मदर टूटू को रखने के लिए क्यों मान गई. क्यों मान गई थी? क्योंकि जब ग्रैंड मदर को पता चला दैट शी वॉज अ गर्ल मॉन्की तो शी वॉज एग्रीड, क्योंकि उनका मानना था कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से कम शरारती होती हैं. सेकेंड, वाई डिड नरेटर फॉलो ऑन रूबी एंड रॉकी सीक्रेटली. नरेटर ने जो है रूबी और रॉकी का पीछा क्यों किया ज्वेलर शॉप तक, और फिर टोटू भी उनके पीछे क्यों गया, है ना? तो नरेटर फॉलोड देम सीक्रेटली. वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो विद देम. वो जाना चाहता था. उसने आंट रूबी से भी पूछा बट आंट रूबी रिफ्यूज्ड. तो क्योंकि वो उनके साथ जाना चाहता था इसलिए उसने सोचा कि मैं छुप के चला जाता हूँ. एंड वाई डिड टूटू फॉलोड देम? तो टूटू को लगा कि ये सब कोई ना कोई सीक्रेट मिशन प्लान कर रहे हैं, दे आर प्लानिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट्स वाई शी ऑल्सो डिसाइडेड टू फॉलो देम टू द ज्वेलर शॉप. थर्ड हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड द पीपल इन द बाजार चेज टूटू? अब मार्केट में जब टूटू वो नेकलेस लेकर भागा था तो लोग उसके पीछे क्यों भाग रहे थे? अब लोगों को थोड़ी पता था कि उसने क्या किया. तो द पीपल इन द बाजार चेज टूटू विदाउट नोइंग द एक्चुअल रीज़न. उनको रीज़न ही नहीं पता था, वो बस भाग रहे थे कि सब भाग रहे हैं हम भी भागते हैं. दे वर जस्ट रनिंग आफ्टर द क्राउड. वो सिर्फ भीड़ देख कर जो है उनके पीछे भाग रहे थे. क्वेश्चन फोर इज व्हाट डिड टूटू डू विद द नेकलेस? हाउ वॉज इट रिस्टोर टू द ज्वेलर? अब टूटू ने उस नेकलेस का किया क्या? क्या वो अपने घर ले गया था? और ज्वेलर तक वो कैसे पहुंचा? सो टूटू फ्लंग्ड होता है बेटा फेंकना, उछालना, दूर से उछाल कर फेंक देना. तो टूटू फ्लंग द नेकलेस इनटू अ कैनाल. कैनाल क्या होती है? नहर. पास में जब वो अपने घर की तरफ मुड़ा तो उसको एक नहर दिखी और वहाँ पर उसने उस नेकलेस को फेंक दिया. और ऐसा होते ही क्या हुआ, ज्वेलर, रॉकी और बहुत सारे लोग जो है उस कैनाल में उन्होंने भी जंप किया. और फाइनली रॉकी को जो है आफ्टर 20 मिनट्स रॉकी फाउंड इट इन अ वेरी बैड कंडीशन. रॉकी को वो बहुत ही बुरी हालत में मिला बट उसने उसको ज्वेलर को वापस कर दिया. फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक सम गेस्ट वर नॉट सीन आफ्टर द मैरिज? शादी के बाद कुछ लोग नजर नहीं आए थे, क्या कारण था? तो अपने स्टोरी में देखा था कि टूटू ने क्या किया था, टूटू ने उसके अंदर कुछ मिला दिया था ना वेडिंग केक में. तो हो सकता है कि सम गेस्ट माइट हैव फॉलन सिक आफ्टर ईटिंग द वेडिंग केक, सो दे वर नॉट सीन आफ्टर द मैरिज. हो सकता है कि कुछ लोग वो केक खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई हो, बीमार हो गए हों, तो इसलिए जो है वो लोग शादी के कुछ दिन बाद तक नज़र नहीं आए. हॉट्स, सम एनिमल्स हैव अ शार्प माइंड, दे अमेज अस बाय द एक्शंस. डू यू थिंक दे आर नॉट एबल टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन? वाई और वाई नॉट? तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो उनका माइंड बहुत शार्प होता है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट. और कई बार उनके एक्शन हमें बहुत हैरान कर देते हैं कि वाओ एनिमल हो कि भी इसने ऐसा कर दिया. तो आपको क्या लगता है कि क्या उनका माइंड इतना शार्प है कि वो सही और गलत पहचान सकते हैं? येस, देन वाई? नो, देन वाई? तो इट्स ट्रू दैट सम एनिमल्स हैव शार्प माइंड लाइक डॉग्स, एलिफेंट्स, डॉल्फिन एक्सेट्रा. ये कुछ एनिमल्स हैं जिनका माइंड बहुत शार्प होता है, हम इनके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी आप लोगों ने देखी होगी, है ना? तो दे अमेज अस, अमेज होता है हमें हैरान करना. इनके एक्शंस हमें हैरान कर देते हैं. हम बहुत बार इनके एक्शंस ऐसे होते हैं दैट वी गेट सो सरप्राइज्ड कि एनिमल होकर भी इनके अंदर इतनी फीलिंग्स है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है. बट अगर हम लोग राइट एंड रॉन्ग की बात करते हैं तो दे नीड टू गेट ट्रेन टू थिंक एंड एक्ट स्मार्टली. अब जैसे पुलिस में, आर्मी में डॉग्स को यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है टू एक्ट इन अ प्रॉपर वे. ओके, लाइफ स्किल, डू यू लाइक टूटू? इफ़ गिवन अ चांस वुड यू लाइक टू कीप हर एज अ पेट? क्या आपको टूटू अच्छा लगा और क्या आप उसको एज अ पेट अपने घर पे रखना पसंद करोगे? तो इसका आंसर वेरी कर सकता है बेटा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. इट
So our question answer here is yes, I like Toto for her entertaining nature. क्योंकि वो बहुत naughty type थी, मस्ती करती थी और बच्चों को तो ऐसे ही सब कुछ माहौल अच्छा लगता है ना, तो वो बहुत entertaining थी इसलिए मुझे Toto अच्छी लगी. And would also like to keep her as a pet if given a chance. और अगर मुझे permission मिले, मुझे मौका मिले तो मैं Toto को अपने घर पर ज़रूर रखूँगा या रखूँगी. वैल्यूज़ से बेटा, वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. सो द नरेटर डिसाइडेड टू सीक्रेटली फॉलो ऑन रूबी एंड हर फियांसे रॉकी टू द मार्केट. इज इट जस्टिफाइड इन डूइंग दैट? तो नरेटर ने क्या डिसाइड किया था, वो छुप के उनके पीछे गया था ना जो मार्केट में ज्वेलर शॉप पे, तो क्या उसने जो किया वो सही किया? सो अगर हम देखते हैं मॉरली, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मॉरल वैल्यूज़ की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स ही वॉज नॉट जस्टिफाइड हेयर. वाई? उसने गलत किया. क्यों किया? बिकॉज इट वॉज देयर स्पेशल मोमेंट एंड ही शुडेंट इंटरफेयर. वो उन दोनों की स्पेशल मोमेंट थी, वो अपनी एंगेजमेंट रिंग जो है परचेज करने जा रहे थे, तो उसको नहीं जाना चाहिए था. एंड मोर ओवर ही डिसोबीड आंट रूबी. उसने आंट रूबी से जब परमिशन ली और उसको आंट रूबी ने मना किया, तो उसको आंट रूबी की बात माननी चाहिए थी. तो मॉरली भी जो है उसने ये काम गलत किया, तो इसलिए ही इज नॉट जस्टिफाइड. दिस इज़ द राइटिंग स्किल. राइटिंग स्किल में जो है ज्वेलर ने अपनी फीलिंग लिखनी थी कि उसका दिन कैसा रहा, तो बता रहा है कि व्हाट अ हेक्टिक डे इट वाज. कितना हेक्टिक डे था. अब वो अपनी पूरी उसमें अपनी बता रहा है कि क्या हुआ, क्यों उसका दिन जो है हेक्टिक रहा. तो वो बता रहा है कपल केम टू माई शॉप. एक कपल आया है एंगेजमेंट रिंग खरीदने और उनके साथ एक मॉन्की भी आ गया शॉप में छुपके से, स्लिप्ड इनटू द शॉप विदाउट बीइंग नोटिस्ड. किसी को पता नहीं चला. और कब पता चला सबको? जब उसने एक प्रिटी नेकलेस पहना एंड जब वो उसने शी गेव अ स्केल ऑफ डिलाइट. बट ज्वेलर क्या कह रहा है, वो कह रहा है बिफोर आई कुड ग्रैब इट शी रश्ड आउट ऑफ द शॉप. कि मैं इससे पहले उससे वो हार छीनता, वो बाजार में निकल गई, मार्केट में बाहर चली गई. एंड शी क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मेस इन द मार्केट. उसने बहुत सारी वहाँ पे जो है मेस क्रिएट किया मार्केट में. आई एंड मैनी अदर्स रैन आफ्टर हर. हम बहुत सारे लोग जो है उसके पीछे दौड़े. और सडनली उसने क्या किया था, शी थ्रू द नेकलेस इन टू अ स्मॉल कैनाल और हम सब भी उसके अंदर कूद गए. ठीक है. और फाइनली रॉकी फाउंड द नेकलेस आफ्टर 20 मिनट्स. ही रिटर्न इट टू मी. इट्स कंडीशन वॉज वेरी बैड. वो बता रहा है कि मेरे को नेकलेस तो मिल गया पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी. आई एडमायर रॉकीज ऑनेस्टी. देखो वो कह रहा है कि रॉकी की ईमानदारी. रॉकी चाहता तो वो नेकलेस अपनी पॉकेट में भी तो डाल सकता था ना, बट क्या रॉकी ने ऐसा किया? नो, रॉकी ने ऐसा नहीं किया. तो वो कह रहा है कि आई एडमायर कि उसने वो ऑनेस्टली मुझे वापस कर दिया. बट आई कैन नेवर फॉरगेट द मिस्चीवियस मंकी. वो कह रहा है कि मैं उस शरारती मंकी को नहीं भूल सकता जिसने इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट की. बट वो क्या कह रहा है, फाइनली द डे एंडेड हैप्पीली एंड रॉकी बॉट द एंगेजमेंट रिंग फॉर हिज बीलव्ड. कि सब कुछ जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो सारी सॉर्ट आउट हो गई. वो सब वापस शॉप पे गए. वहाँ से रॉकी ने आंट रूबी के लिए जो एंगेजमेंट रिंग खरीदी एंड फाइनली द डे एंडेड हैप्पीली. आई होप दैट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स आर क्लियर टू यू ऑल. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एट होम एंड कीप लर्निंग विद संदीप बिहान. थैंक यू. हैव अ गुड डे.